आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, ट्रांसवर्ल्ड रेडियो की आशा भरी नारी के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। ये एक ऐसा शो है जो हमारे राष्ट्र में वफादार, उत्थान करने वाली और आशावान, प्रेरणादायक महिलाओं को ऊंचा उठाने के लिए समर्पित है। हमारी इस नई श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं कि हम कौन हैं और परमेश्वर ने हमें कौन होने के लिए बुलाया है। हमने देखा कि कैसे परमेश्वर ने अपने महान प्रेम और अनुग्रह से हमें हमारे पापों से यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाया है। हमारे पुराने मनुष्यत्व हमारे पापों के साथ मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं। हम में से जो लोग क्रूस पर मसीह के पूर्ण कार्य में अपना विश्वास रखते हैं, वे अब अपने पाप और पापी स्वभाव के बंधन से मुक्त हो गए हैं। अब जबकि हमारा पुराना मनुष्यत्व मार डाला गया है, तो हम उस आत्मा की अभिलाषाओं के अनुसार जीने के लिए बुलाए गए हैं, जिसे परमेश्वर ने हमें इतने अनुग्रह से दिया है। आत्मा हमें पवित्र करता है और हमें परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र और निर्दोष होने के लिए अलग करता है। आत्मा हमें उस तरह का जीवन जीने में सक्षम बनाता है जिसके लिए परमेश्वर हमें बुलाता है, अर्थात हमारी सांसारिक आत्मकेंद्रित इच्छाओं को मारकर और पहले परमेश्वर और उसके राज्य की चीजों की खोज में जीना। दोस्तों, परमेश्वर के अथाह प्रेम और अनुग्रह से छुटकारा पाने और आत्मा और परमेश्वर के वचन के द्वारा नवीनीकृत होने के बाद परमेश्वर हमें उसकी सेवा करने के लिए बुलाता है, और हमें वो जिस भी क्षमता में बुलाता है हमें ऐसा करने के लिए तैयार और इच्छुक रहना चाहिए। कुछ उपहारों और उद्देश्यों को दूसरों की तुलना में बेहतर या अधिक मूल्यवान नहीं मानते हुए और उनकी तलाश करते हैं, बल्कि उसके तेजस्वी उद्देश्यों के लिए उपयोग होने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वे कुछ भी हो। इन सभी पर इस श्रृंखला के पिछले एपिसोड में अधिक विस्तार से चर्चा की गई है। दोस्तों, आज हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि उन महिलाओं के रूप में हमारे जीवन जीने का क्या अर्थ है जिन्हें याद किया जाएगा। हम सभी दुनिया पर एक छाप छोड़ने, अपने जीवन को महत्वपूर्ण बनाना और अपने लिए एक नाम बनाने की इच्छा रखते हैं। बड़े सपने देखना और उन सपनों को हासिल करना और अपने दिलों का पीछा करना, लेकिन क्या परमेश्वर हमसे यही खोजता है हमारे अपने लिए राज्य बनाने के लिए? कास्टिंग क्राउन नामक एक समूह द्वारा ओनली जीसस नाम का एक सुंदर गीत है जो वास्तव में इसी के बारे में बात करता है। वो इस प्रकार कहता है, मैं एक विरासत नहीं छोड़ना चाहता, मुझे परवाह नहीं है अगर वे मुझे याद करते हैं। केवल यीशु मेरे पास जीने के लिए केवल एक जीवन है, मैं हर दूसरा बिंदु केवल यीशु को दूंगा। यहाँ गीतकार का कहना है कि वो अपने जीवन के हर पल में दूसरों को यीशु की ओर इंगित करना पसंद करेंगे, बजाय इसके कि वे अपने पीछे अपने लिए एक विरासत छोड़ जाएं। वो कहता है कि वो अपनी उपलब्धियों के लिए याद किए जाने के बजाय एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जीना पसंद करेगा जो हर समय मसीह की गवाही देता है। हम जिस विरासत को पीछे छोड़ते हैं उसके बारे में बाइबल क्या कहती है? हमें अपने बाद की पीढ़ियों को क्या देना चाहिए? व्यवस्था विवरण 6 उसका 5-7 कहता है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे जीवन और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। एक प्रसिद्ध उपदेशक पॉल वॉशर का कहना है कि जैसे ही हमारे बच्चे बोलने और समझने के लायक हो जाते हैं, हमें उनके साथ बाइबल पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। वे बच्चों या शुरुआती लोगों के लिए उम्र उपयुक्त यानी कि टॉडलर बाइबल के साथ शुरुआत करने के लिए कहते हैं।
और फिर कुछ वर्षों के बाद एक और अधिक उन्नत संस्करण की ओर बढ़ना और ऐसा तब तक करना जारी रखना जब तक कि बच्चे इतने बड़े नहीं हो जाते कि वे नियमित रूप से पूरी बाइबल को अपने आप पढ़ सकें। इस तरह के अभ्यास से उनमें छोटी उम्र में भी परमेश्वर के वचन की आदत और प्यास पैदा होगी। इस प्रकार हमें अपने बच्चों और अपने आसपास के लोगों को प्रभु की आज्ञाओं और निर्देशों की शिक्षा देनी है। हमें प्रभु की बुद्धि और उसके मार्गों के बारे में बताना है जो हमेशा सिद्ध होते हैं। हमें उन्हें इस बारे में बताना है दोस्तों कि प्रभु की आज्ञा मानने और उसके हृदय की खोज करने का क्या अर्थ है। न केवल बताइए बल्कि आदर्श और उदाहरण के द्वारा दिखाइए, जैसा कि फिलिप्पियों 4:9 में कहता है, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। और दूसरा तिमोथियुस 2:2 कहता है, और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो औरों को भी सिखाने के योग्य हो। हम अपने बच्चों को इस तरह की बातें बताते और दिखाते हैं कि वे इसे आगे बढ़ाएं और इसे अपने बच्चों और अपने आसपास के लोगों को सिखाएं। भजन संहिता 78:4 कहता है, उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त न रखेंगे परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणानुवाद और उसके सामर्थ्य और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। यहोशू 4:21-22 कहता है, तब उसने इज़राइलियों से कहा, आगे को जब तुम्हारे लड़के वाले अपने पिता से ये पूछें कि इन पत्थरों का क्या मतलब है, तब तुम ये कहकर उनको बताना कि इज़राइली यर्दन के पार स्थल ही स्थल चले आए थे। भजन संहिता 145:4 कहता है, तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। और हमें हमारे बच्चों और हमारे बच्चों के बच्चों को भी हमारे जीवन में परमेश्वर के कामों के बारे में बताना है। जाहिर है पुराने नियम के समय में जब आगे बढ़ाने का एकमात्र तरीका मुंह से बोलना था, ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण था, लेकिन ये वास्तव में अब भी अलग नहीं है। यहाँ तक कि प्रौद्योगिकी में भी सभी प्रगति के साथ भी किसी चीज का प्रत्यक्ष वर्णन सुनने से बेहतर और कुछ भी नहीं है। लेकिन बहनों, अपने बच्चों और पोते पोतियों को कुछ देने के लिए हमें स्वयं प्रभु के साथ वास्तविक शक्तिशाली जीवन पुष्टि करने वाले अनुभवों की आवश्यकता है। बेशक प्रभु ऐसा करने में सक्षम है, बशर्ते हम उसकी और उसके मार्गों की खोज करें। जब हम अपने जीवन के हर निर्णय के लिए ईमानदारी और लगन से उसकी इच्छा की तलाश करते हैं, तो वो हमें वो सब करने के लिए नेतृत्व और सुसज्जित करता है जिसके लिए वो हमें बुलाता है। दोस्तों, हम ये सुनिश्चित करने में बहुत समय लगाते हैं कि हमारे बच्चे जीवन में, स्कूल में और उनके अंतिम व्यवसायों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आवश्यक कौशल से लैस हों। लेकिन क्या हम उनसे प्रभु के बारे में बात करने में समय बिताते हैं? हम इस बात पर जोर देते हैं कि हमारे बच्चे प्रतिदिन अपनी बाइबल पढ़ें और प्रार्थना करें, लेकिन क्या वे हमें ऐसा करते हुए देखते हैं? जब एक बच्चा हमें अपनी सारी परेशानियों के लिए प्रभु के पास दौड़ता हुआ देखता है और हमारे निर्णय लेने के लिए उसकी बुद्धि की तलाश करते देखता है, तो क्या बच्चे के वही काम करना सीखने की अधिक संभावना नहीं है? परमेश्वर में कोई बीमार या आहत होने पर जब एक बच्चे की पहली प्रतिक्रिया उनके लिए प्रार्थना करना होता है, तो आप जानते हैं कि माता पिता कुछ सही कर रहे हैं। क्या हम अपने बच्चों या नाती पोतों के लिए उस तरह की मिसाल कायम कर रहे हैं? हम अक्सर सोचते हैं कि बच्चों को आत्मिक रूप से पोषित करना चर्च और संडे स्कूल की जिम्मेदारी है, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है दोस्तों। ये माता पिता की जिम्मेदारी है, खासकर माताओं की, जो मुख्य रूप से उनकी सीखने में मदद करती हैं।
लेकिन क्या हम अपनी उपलब्धियों पर काम करने में इतने व्यस्त हैं कि अपने बच्चों के साथ उस तरह से समय नहीं बिता पा रहे हैं? क्या हम अपने कार्यस्थलों और अपने व्यवसायों में अपनी पहचान बनाने में व्यस्त हैं कि हम दिन के अंत में अपने बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बहुत थक गए होते हैं? अगर ऐसा है तो कृपया ध्यान से विचार करें कि क्या आप उतने व्यस्त हैं जितना परमेश्वर ने आपके लिए इरादा किया है। मुझे पता है कि स्वाभाविक प्रवृत्ति रक्षात्मक होने की है और ये कहना है कि ये हमारे बच्चों, उनके भविष्य और उनकी सुरक्षा के लिए है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। यदि ये बाद की बात है तो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें इस पर पुनर्विचार करने और इसे संबोधित करने की आवश्यकता हो सकती है। भले ही हमें अतीत में ये मानने के लिए प्रेरित किया गया हो कि नौकरी हमारी पहचान का एक आवश्यक हिस्सा थी, अगर प्रभु आपको अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित कर रहा है तो इसे तुरंत करें। प्रभु से पूछें कि क्या वो चाहता है कि आप अभी एक अलग रास्ता अपनाएं। दोस्तों, बेशक बदलाव हमेशा मुश्किल होता है। हम संदेह और चिंता से भरे हुए हैं कि चीजें कैसे बदलने जा रही हैं और क्या हम आर्थिक रूप से प्रबंधन यानी कि मैनेज करने में सक्षम होंगे। लेकिन अगर परमेश्वर ही आपको इसके लिए बुला रहा है तो आप निश्चित हो सकते हैं कि वो आपको इसमें से ले जाएगा। वो आपको वो सब प्रदान करेगा जो आपको आने वाले समय से निपटने के लिए आवश्यक है, अर्थात आपकी शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, भावनात्मक और वित्तीय जरूरतें। वो गीत जिसे हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था, केवल यीशु, ये आगे कहता है, सभी बनाए गए राज्य, जीती गई सभी ट्रॉफियां, जब ये कहा और किया गया तो धूल में मिल जाएंगे या नष्ट हो जाएंगे। लेकिन वास्तव में जो मायने रखता है दोस्तों, वो है अगर हम उन लोगों के लिए सच्चाई को जीते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं, और अगर हमारा जीवन इस बात का सबूत है कि केवल एक ही है जिसका नाम हमेशा के लिए रहेगा, और यही वो है जो वास्तव में उबलता है। जब हम मानते हैं कि केवल एक ही है जो हमारे जीवन में और हमारे जीवन के द्वारा से सेवा करने के योग्य है, जब हम परमेश्वर को वो स्थान देते हैं जिसके लिए वो हमारे जीवन में हमारे परमेश्वर, गुरु, परामर्शदाता और मार्गदर्शक के रूप में हमारे हर निर्णय में हकदार है, और जो विरासत हम पीछे छोड़ देते हैं वही एक है जो पूरी तरह से इसके लायक है। और एक बच्चा जो हमें इस तरह के उदाहरण के द्वारा अगुवाई करते देखता है तो वो आगे उसी नक्शे कदम का पालन करने के लिए प्रभावित होगा। बहनों, इस अगले भाग में हम उन महिलाओं के जीवन पर नजर डालने जा रहे हैं जिन्हें प्रभु की सेवा में अपना जीवन जीने के तरीके के लिए याद किया जाता है। सबसे पहले हम एलिजाबेथ एलियट के जीवन को देखते हैं। एलिजाबेथ का जन्म धर्मपरायण, परमेश्वर का भय मानने वाले मिशनरी माता पिता के यहाँ हुआ था, जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर के वचन के आसपास बनाया था। यह एलिजाबेथ के अपने प्रारंभिक जीवन का लेखा जोखा और वो नींव है जो उसके माता पिता ने उसके और उसके भाई बहनों के लिए निर्धारित की थी। हमें समझ के साथ बड़े हुए हैं कि पवित्र शास्त्र सर्वोच्च प्राथमिकता थे। हम हर रात में जब मेज के चारों ओर बैठते थे तब रात के खाने के अंत में बाइबल पढ़ते थे और प्रार्थना करते थे। और हमारे जीवन में दूसरा शक्तिशाली प्रभाव ये था कि मेरे पिता खुद प्रभु के साथ अकेले समय बिताने के लिए सुबह 4:30 से 5 के बीच उठते थे। दोस्तों, हम देखते हैं कि माता पिता उस नींव को स्थापित करने में क्या ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिस तरह से इस परिवार ने प्राथमिकता दी और अपने बच्चों को पवित्र शास्त्र में से निर्देश दिया और बहुत कम उम्र से ही प्रभु के तरीकों को सिखाया। इसके अलावा उनके पिता ने अपने प्रार्थना जीवन के साथ अपने स्वयं के अनुशासन द्वारा जो उदाहरण स्थापित किया, उसका बच्चों के जीवन पर गहरा प्रभाव होना तय था। एलिजाबेथ साझा करती है कि जब वो लगभग 5 वर्ष की थी तब वो स्वयं विश्वास में आई। इसके बाद 12 साल की उम्र में प्रभु के प्रति एक निश्चित प्रतिबद्धता हुई।
वो कहती हैं, मुझे लगता है कि मुझे एहसास हुआ कि अगर यीशु मेरा उद्धार करता था तो उसे मेरा परमेश्वर भी होना था। इसलिए मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया और कहा, परमेश्वर मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ कुछ भी करें जो आप चाहते हैं। इतनी कोमल उम्र में भी दोस्तों एलिजाबेथ ने स्पष्ट रूप से पहचान लिया था कि परमेश्वर उसे एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए बुला रहे थे। उसने कॉलेज में शास्त्रीय यूनानी का अध्ययन किया, ये विश्वास करते हुए कि एक नए नियम का अनुवाद अभी तक अगम्य भाषा में करने की उसकी इच्छा में मदद करने के लिए ये सबसे अच्छा उपकरण था। और जब वो कॉलेज में थी तब उनकी मुलाकात जिम एलियट से हुई, जिनसे उन्होंने बाद में शादी की। जिम और एलिजाबेथ दोनों दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में कैशवा इंडियंस के साथ काम करने के लिए अलग अलग गए और आखिरकार उन्होंने शादी कर ली। अब जैसा कि आप पहले से ही जानते होंगे, जिम एलियट को 3 साल बाद हुआ उरानी भारतीय जनजाति द्वारा मार दिया गया था, जिनके बीच वो सेवकाई करने के लिए गए थे। इक्वाडोर के जंगलों में उसे 4 अन्य मिशनरियों के साथ भाले से मार गिराया गया था। उस समय जिम और एलिजाबेथ की बेटी वेलेरी 10 महीने की थी। एलिजाबेथ बताती हैं कि उसे इस बात का पूर्वाभास था कि जिम उसके एक मिशन पर मरने वाला है। उसने अपने आसपास के लोगों से सुना था कि इस क्षेत्र के कबीले कितने उग्र हैं। दोस्तों वास्तव में इससे पहले कि वो अपने दुर्भाग्यपूर्ण मिशन के लिए निकलता जो उसके जीवन को ख़त्म करेगा, उन दोनों ने इस बारे में बात की कि यदि जिम वापस नहीं लौटेगा तो वो क्या करेगी। लेकिन जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद एलिजाबेथ ने सुसमाचार के साथ उन लोगों तक पहुंचने के लिए दृढ़ संकल्प किया जिन्होंने उसके पति को मार डाला था। दोस्तों जिम के साथ मारे गए एक अन्य मिशनरी की बहन रेचल सेंट के साथ उसने वहां अपना काम जारी रखा। वे मिले, दोस्ती की और महिलाओं में से कुछ के साथ उनकी भाषा और संस्कृति सीखते हुए काम किया जो वहां की जनजातियों में से भाग गई थी। कुछ समय बाद आदिवासी महिलाओं ने एलिजाबेथ और रेचल को अपने भाग्य के बारे में सोचते हुए छोड़कर अपने कबीले में वापस लौटने का फैसला लिया। हालांकि 3 सप्ताह के बाद महिलाएं 7 और महिलाओं के साथ लौट आईं और साथ ही मिशनरियों के लिए जनजाति से मिलने का एक निमंत्रण भी लाई। एलिजाबेथ और रेचल ने प्रस्ताव को स्वीकार करने में कोई समय नहीं गंवाया। उन्होंने जंगल ट्रेल से होकर अपना रास्ता बना लिया और अंततः जनजाति के पास पहुंच गए और उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। एलिजाबेथ ने स्वागत समारोह को मैत्रीपूर्ण अर्थात ये दुनिया की सबसे स्वाभाविक चीज की तरह बताया। अगले साल के लिए मिशनरियों को जनजाति के साथ अच्छे संबंध का मजा आया जब उन्होंने उनके बीच सेवा की। सुसमाचार जो उन्होंने प्रचार किया उसके परिणाम स्वरूप जनजाति के सदस्यों के बीच हिंसा में एक उल्लेखनीय गिरावट के साथ साथ मसीहियत में कई रूपांतरण और स्थानीय चर्च का विकास पाया गया। बहनों, क्या ये सबसे ऊपर प्रभु को प्राथमिकता देने की एक अविश्वसनीय कहानी नहीं है? मैं प्रभु के लिए उस तरह का साहस और उत्साह और पति के काम को उन्हीं लोगों के बीच करने की इच्छा की कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ जिन्होंने उसे मार डाला। वो उस बुलाहट के बारे में स्पष्ट रूप से निश्चित थी जिसे प्रभु ने उसके जीवन पर रखा है और इसे देखने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। ये उस अविश्वसनीय विश्वास को भी दर्शाता है दोस्तों जो उसका प्रभु पर था। उसने स्वीकार किया कि अपनी 3 साल की बेटी वेलेरी को अपनी पीठ पर बांध कर ले जाना विश्वास की अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा थी। साथ ही साथ जंगल के इलाकों में पाए जाने वाले सामान्य खतरों का सामना करना पड़ा। उसने ये भी साझा किया दोस्तों कि यद्यपि उसने साथी मसीहियों की नम्र चेतावनियों की सराहना की, लेकिन उसने महसूस किया कि जब तक प्रभु मुझसे यही चाहता है तब तक बाकी सब अप्रासंगिक है। क्या ही अद्भुत विश्वास और उद्देश्य की भावना है। अमेरिका लौटने पर एलिजाबेथ एक प्रसिद्ध वक्ता और लेखिका बन गई। उसकी पुस्तक थ्रू गेट्स ऑफ स्प्लेंडर सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक माना गया है।
जिसने इंजीलवादियों की सोच को आकार दिया है। वो पुस्तक सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक बन गई, जैसा कि सर्वशक्तिमान की छाया जिम एलियट की जीवन की गवाही थी। दोस्तों, एलिजाबेथ ने एक दर्जन से अधिक अतिरिक्त किताबें लिखी और एक रेडियो शो गेटवे टू जॉय लॉन्च किया, जो 2001 तक चला। एलिजाबेथ की बेटी वेलरी ने अपनी माँ का वर्णन एक सत्य की वक्ता, आज्ञाकारिता की शिक्षिका, शक्ति और गरिमा की महिला के रूप में किया। वो हमेशा मुझे प्यार करती थी और प्रोत्साहित करती थी। वो एक प्रार्थना वाली महिला थी। क्या आप और अधिक अविश्वसनीय विरासत को पीछे छोड़ने के बारे में सोच सकते हैं? दोस्तों, एलिजाबेथ आशा भरी नारी का क्या ही अद्भुत उदाहरण थी। अगला व्यक्ति जिसका जीवन हम देखने जा रहे हैं, वो है ग्लैडिस एलवर्ड, जो लंदन में पैदा हुई थी। एक जागृति सभा के दौरान उसने अपना जीवन प्रभु की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उसे जल्द ही यकीन हो गया था कि उसे चीन में प्रचार करने के लिए बुलाया जा रहा है। उसने चीन में एक 73 वर्षीय मिशनरी श्रीमती जेनी लॉसन के बारे में सुना, जो अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए किसी की तलाश कर रही थी। ग्लैडिस ने श्रीमती लॉसन को लिखा और उसे स्वीकार कर लिया गया। उसके पास जहाज के किराए के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे, लेकिन उसने ट्रांस साइबेरियन रेलवे पर ट्रेन टिकट के लिए जो कुछ भी था उसे एक साथ जमा किया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक युवा अविवाहित महिला के लिए ऐसी यात्रा करना कितना खतरनाक रहा होगा, जो अकेले शत्रुतापूर्ण सीमाओं को पार कर रही थी, खासकर तब जब चीन और सोवियत संघ उस समय एक अघोषित युद्ध में लगे हुए थे। उसे रूस में हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन वो किसी तरह भागने में सफल रहीं। फिर वो जापान के लिए एक पानी जहाज से रवाना हुई और अंत में ट्रेन, बस और खच्चर से विभिन्न बिंदुओं पर यात्रा करते हुए चीन के योंगचेन के लिए अपना रास्ता बना लिया। चूंकि योंगचेन एक व्यापार मार्ग पर एक पड़ाव था, श्रीमती लॉसन और ग्लैडिस ने एक सराय शुरू की, जहां खच्चर कारवां अपनी यात्रा पर विराम ले सकते थे। पुरुषों और खच्चरों को भोजन और पानी और आराम करने के लिए गर्म स्थान, साथ ही यीशु नाम के एक व्यक्ति के बारे में कहानियों के रूप में मुफ्त मनोरंजन प्रदान किया गया था। इनमें से कुछ लोग समय के साथ मसीही बन गए और कई अन्य मसीही और गैर मसीही दोनों ने कहानियों को याद किया। कुछ समय बाद एक सरकारी अधिकारी ने ग्लैडिस से संपर्क किया। सरकार एक पैर इंस्पेक्टर अर्थात एक औरत की खोज कर रही थी अपने खुद के खुले पैरों के साथ, ताकि वो यात्रा कर सके, फरमान लागू करने के लिए, जिले में गश्त लगाने के लिए। ग्लैडिस ही इस नौकरी के लिए एकमात्र संभावित उम्मीदवार थी और उसने स्वीकार किया, ये महसूस करते हुए कि ये उसे सुसमाचार फैलाने के अकल्पनीय अवसर देगा। योंगचेन में अपने दूसरे वर्ष के दौरान ग्लैडिस को अधिकारी द्वारा फिर से बुलाया गया था। पुरुषों की जेल में एक दंगा छिड़ गया था। जेल के वार्डन ने ग्लैडिस से कहा, प्रांगण में जाओ और दंगा बंद करो। उसने कहा, मैं ये कैसे कर सकती हूँ? वार्डन ने कहा, आप प्रचार कर रही हैं कि जो लोग मसीह पर भरोसा रखते हैं उन्हें डरने की कोई बात नहीं। वो आंगन में चली गई और चिल्लाया, चुप, मैं नहीं सुन सकती जब हर कोई एक ही बार में चिल्ला रहा हो। एक या दो प्रवक्ता चुने और मुझे उनके साथ बात करने दें। पुरुष शांत हो गए और उन्होंने एक प्रवक्ता चुन लिया। ग्लैडिस ने उनसे पाया कि वे भीड़ भाड़ की स्थिति के कारण किनारे पर थे और इसलिए हर छोटे से विवाद ने दंगा भड़का दिया। भोजन का भी अभाव था। उसने सुझाव दिया कि वे कैदियों के लिए कपड़े बुनने के लिए करघे स्थापित करें, ताकि वे अपने भोजन का भुगतान करने के लिए पैसा कमा सकें। ये किया गया और चीजें व्यवस्थित हो गईं। इसलिए ग्लैडिस एलवर्ड को ए वे दे कहने लगे, जिसका अर्थ था गुणी। तब से यही उसका नाम था। उसने एक अनाथालय शुरू किया, जहां उसने कई हजारों अनाथों की देखभाल की। युद्ध के दौरान योंगचेन शहर पर जापानियों ने बमबारी की थी। वो अनाथालय को खाली करना चाहती थी और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहती थी।
बच्चों को रस्से में लिए वो 12 दिनों तक चली। कुछ रातों में उन्हें दोस्ताना मेजबानों के साथ आश्रय मिला, कुछ रातें उन्हें पहाड़ों पर असुरक्षित रूप से बिताई। 12वें दिन वे येलो नदी पर पहुंचे। उसे पार करने का कोई रास्ता नहीं था, सभी नाव यातायात बंद कर दिए गए थे। बच्चे जानना चाहते थे, हम पार क्यों नहीं जाते? उसने कहा, एक भी नाव नहीं है। उन्होंने कहा, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, उसे हमें पार करने के लिए कहें। सबने घुटने टेककर प्रार्थना की। फिर उन्होंने गाया। गश्ती दल के साथ एक चीनी अधिकारी ने गाना सुना और ऊपर चढ़ गया। उसने उनकी कहानी सुनी और कहा, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए एक नाव ला सकता हूँ। उन्होंने नदी को पार किया और कुछ और कठिनाइयों के बाद एवे दे ने अंत में अपने प्रभारों को सियान में सक्षम हाथों में दे दिया। 1957 में उनके बारे में द स्मॉल वुमन नामक एक पुस्तक लिखी गई थी और इसे प्रसिद्ध अभिनेत्री इंग्रिड बर्गमैन द्वारा अभिनीत एक फिल्म बनाई गई थी। जब न्यूज़वीक पत्रिका ने फिल्म की समीक्षा की और कथानक को संक्षेप में प्रस्तुत किया तो एक पाठक ने कहानी को काल्पनिक मानते हुए ये कहने के लिए लिखा, एक फिल्म को अच्छे होने के लिए कहानी को विश्वसनीय होना चाहिए। ये अविश्वसनीय तरीका था जिसे परमेश्वर ने एक शांत नम्र महिला का इस्तेमाल किया, क्योंकि वो किसी भी तरह से प्रभु की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध थी। महिलाओं का आखिरी समूह दोस्तों, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उनमें से तामार, रूथ, राहाब और बैतशबा हैं। वे सभी यीशु के वंश वृक्ष में दादी हैं। अवैध संबंध, वैश्यावृत्ति, झूठ, इन महिलाओं के जीवन में बहुत गड़बड़ी थी, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें चुना। 4 टूटी हुई महिलाएं जिनको याद किया और मत्ती 1 में यीशु की वंशावली में नमित किया गया। इन विशिष्ट महिलाओं के चयन में हम अपने सृष्टिकर्ता और मुक्तिदाता के अनुग्रह और प्रेम को देखते हैं। परमेश्वर हम पर भी वही कृपा करते हैं। चाहे आप टूटे हैं, चाहे आप कभी फिट नहीं हुए और आपने अपने पूरे जीवन में एक बाहरी व्यक्ति की तरह महसूस किया है, यदि आपको कभी मान्यता नहीं दी गई, स्वीकार नहीं किया गया, पर कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों कि आज आपकी स्थिति क्या है। परमेश्वर आपको उस व्यक्ति में परिवर्तित कर सकता है जो आपके परमेश्वर प्रदत्त उद्देश्य को जीने के लिए याद किया जाएगा। ये बहुत देर हो चुकी प्रभु की पुकार का उत्तर देना और पश्चाताप में उसकी उपस्थिति में आने और समर्पण करने, उससे अपने उद्देश्यों और उसकी महिमा के लिए अपने आप का उपयोग करने के लिए कहने में कभी भी देर नहीं है। दोस्तों, जिस विरासत को छोड़ने के लिए हमें बुलाया गया है, ये वो नहीं है जो हमारे स्वयं को बढ़ावा देती है, बल्कि यह कि हमने जो कुछ किया उसमें हमने यीशु को प्रतिबिंबित किया। उस गीत की तरह जिसे हमने शुरुआत में पढ़ा था, जहाँ गीतकार कहता है, मुझे परवाह नहीं है कि वे मुझे याद करते हैं या नहीं, जब तक वे उस यीशु को याद करते हैं जिसे मैंने प्रतिबिंबित किया था। और जब हम उस तरीके से हमारे जीवन जीते हैं, तब हम भी परमेश्वर के द्वारा याद किए जाएंगे जब वो अपनी महिमा में फिर से आएगा। क्या उन लोगों के रूप में जाने जाना और याद किया जाना आश्चर्यजनक नहीं होगा जिनका सबसे बड़ा जुनून यीशु था? और कल्पना कीजिए कि ऐसे व्यक्ति के रूप में जाने जाने के लिए आपको अपना जीवन कैसे जीना होगा। प्रत्येक सेकंड जो हमने बिताया इस बारे में जागरूक होगा कि हम कैसे मसीह का प्रतिनिधित्व करते हैं, और हम जो कुछ भी करेंगे वो परमेश्वर का सम्मान करने के लिए करेंगे। हमें लोगों को पहचानने के लिए दोस्तों हमारे शब्दों, कार्यों और विचारों के माध्यम से कितना मुखर होना होगा कि जिस तरह से हम हमारे जीवन जीते हैं उसका कारण है यीशु। क्या आप उस व्यक्ति की तरह जीना चाहेंगे जो कि जो कुछ भी करता है उसमें मसीह का प्रतिनिधित्व करने और प्यार करने के तरीके के लिए याद किया जाएगा?
आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।